कुम भगिया के आज के एपिसोड में प्रज्ञा दादी को बताती है कि उसने आलिया को चैलेंज किया है कि वो उसे और तनु अभी के सामने एक्सपोज करके रहेगी। प्रज्ञा कहती है कि वो चाहती है कि आलिया और तनु भी उससे डरें। दादी ये सुनकर बहुत खुश होती हैं कि प्रज्ञा का एटीट्यूड बदल रहा है। तो सिर्फ प्रज्ञा अपने घर वापस जा रही होती है और वो रास्ते में सीढ़ी पर स्लिप होती है, लेकिन अभी उसे पकड़ लेता है। दूसरा अभी प्रज्ञा से पूछता है कि तुम घर जा रही हो या तुम्हारा कहीं और जाने का प्लान है। अभी प्रज्ञा से कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। अभी और प्रज्ञा को साथ देखकर तो अपने बैग अपना बैग फिर से पैक करने लग जाती है। इतने में उसे निखिल की कॉल आती है। निखिल तनु से पूछता है कि क्या अभी की मेमोरी वापस आई है या नहीं, जिस पर आलिया उसे फ़ोन करती है और कहती है कि हम दोनों से दूर रहो। अगले दिन प्रज्ञा अपने घर से निकलती है अभी के घर आने के लिए, लेकिन बाहर अभी प्रज्ञा का वेट कर रहा होता है अपनी कार में। अभी प्रज्ञा कहता है कि उसकी गाड़ी में आज उसने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। दूसरा तनु आलिया अभी को घर में ढूंढ रही होती है, लेकिन उन्हें अभी कहीं नहीं मिलता। जिस फिर वो मिताली से अभी के बारे में पूछते हैं और मिताली कहती है कि उससे भी नहीं पता। तनु अभी को कॉल करती है, लेकिन अभी का फ़ोन प्रज्ञा पिक करती है। प्रज्ञा की आवाज़ सुन के तनु और गुस्सा आ जाता है और तनु प्रज्ञा की इंसल्ट करने लगती है। प्रज्ञा लाउड स्पीकर ऑन कर देती है, जिससे तनु की सारी बातें अभी भी सुन लेता है और अभी तनु की इंसल्ट करता है और तनु अभी से माफ़ी मांगती है। दूसरा तनु अभी प्रज्ञा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अभी प्रज्ञा से कहता है कि आज का प्लान हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं, हम किसी और दिन सरप्राइज के लिए चलेंगे, आज हम घर वापस चलते हैं। अभी प्रज्ञा से कहता है कि वो उसके लिए कॉफ़ी बनाए। जब प्रज्ञा कॉफ़ी बनाने लगती है तो उसकी तबीयत ख़राब होती है और अभी डॉक्टर को कॉल करता है।